जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि पोकेमोन यूनाइट में 5 ईवी की टीम से खेलना फाइनली अभी पॉसिबल हो चुका है। मैं हूं क्रूज और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो 4 दिन में 400 बार मैसेज करने के बाद फाइनली मैंने मेरी टीम को इकट्ठा कर लिया सेम टाइम पे, ताकि हम 5 लोग ईवी की टीम के साथ खेल सकें, क्योंकि रैंडम्स के साथ तो मेड पड़ने वाला था नहीं। तो फाइनली 5 ईवी का गेम प्ले मेरे हाथ में आ गया है और आज मैं आपको वो गेम प्ले दिखाऊंगा। हमारा नसीब कहीं पे ख़राब भी था, वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले बढ़ते हैं गेम प्ले की ओर। गेम प्ले से पहले बढ़ते हैं लोडिंग स्क्रीन की ओर, जो अगर आप 5 ईवी लेते हैं तो दिखती है कुछ ऐसी, एक प्री बैटल बैकग्राउंड के साथ अगर आप 5 के 5 ईवी लेते हो तो वो एक गजब की चीज़ है। और ये आप लुक देखिए, इसको एकदम अलग लुक आ रहा है, मतलब ऐसे देख के मज़ा आ जाता है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं गेम। आह क्या नज़ारा है, ये नज़ारे को आप देखिए, फुल ऑन 5 ईवी। आह और अरे 5 दिल भी आ गए, क्या चाहिए और। भाई ऑब्वियसली मैं ग्लेशियन हूँ तो मैं ही सेंटर जाऊँगा, लेकिन हाँ भाई चले जा, ग्लेशियन क्या, सॉरी लीफियन हूँ मैं। लेना ही है तुमको, ले लो। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, लीफियन खेलना अभी मैं ढंग से सीखा नहीं हूँ, तो जज मत करना मुझे। बच गया भाई, आजा बर्डी बर्डी, आजा बर्डी आजा, और आ गए। अरे बच गया, थोड़ा जल्दी मार ही देना था तो हो जाता काम यार। हट यार, जो मैंने हमारे खराब नसीब की बात की थी वो वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप फैन हो पोकेमोन यूनाइट के और उसके गेम प्लेज वगैरह देखते हो, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो, तो नहीं पता चलेगा तो एंड में तो मैं बताऊंगा ही कि हमारा नसीब कहाँ खराब था। अबे यार बच गया फिर से। वाह भाई क्या नजारा है, 3-3 इवोल्यूशन एक साथ निकले। आह हा, अरे भाग क्यों क्या अम्ब्रियन भाई, अभी क्या फायदा। अबे अबे ये गलत है, हवा में मार दिया, हट। अलग लेवल का, मतलब कुछ अलग ही लेवल का हग रहे हम सब, लेकिन उसका रीजन अभी गेम खत्म होते मैं आपको बताऊंगा। भाई स्पॉन किलिंग पे आ गए अब ये लोग। वो बच गया बच गया बच गया, अबे यार गाड़ी ऑलमोस्ट डेड था भाई। भाई अटैक अटका दिया मेरा, बे यार अबे। भाई सही खेल रही है यार गाड़ी। लॉल दोनों ने सेम अटैक यूज किया। अरे ओ भाई सो क्लोज, इंटरनेट भाई ऐसे चिपकने का नहीं।
यार जबरा अटका देते हैं ये लोग। भाई ले लेना अम्ब्रियन। अबे मस्ती है यार। नाइस, चलो एक तो गया भाई, इतनी मेहनत के बाद एक बंदे को लिया है। अबे कितना पछाड़ेगा भाई तू। ग्लेशियन अपने काम की चीज नहीं है भाई, कुछ भी हो। अरे सरेंडर क्यों करना है, खेलो, हारो तो इज्जत से हारो। अरे जाना भाई, तू मारने में बिजी था ना, इधर क्यों आया? अरे बोल रहा हूँ सरेंडर नहीं करना है, हारेंगे इज्जत से हारेंगे। ये जो बंदे हैं सामने, उनके सामने हारना भी ओके, माय बैड, लेकिन हाँ उनके सामने हारना भी इज्जत की बात है भाई। अब मैं बताता हूँ हमारा बैड लक, एक बार बैटल डेटा आने दो। हो भाई 4 किल, हो 70,000 डैमेज कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तो हाँ, ये जो सामने बजवोल दिख रहा है आपको, वो बजवोल भाई साहब SA12 के हैं, जो वर्ल्ड की पता नहीं लेकिन इंडिया की टॉप टीम में आती है, उसका प्लेयर है। तो अभी समझ लो उस वो आया है तो सामने कैसे ही लोग होंगे, और ऊपर से हम ठहरे मास्टर्स अभी तक पहुंचे नहीं है, नया सीजन शुरू हुआ है, और पता नहीं इसका मैच मेकिंग क्या गजब लेवल का है। तो SA12 के प्लेयर के साथ हमारी मैच मेकिंग करवा दी, लेकिन ठीक है, ये टीम नहीं होती तो काफी अच्छा खेले हम एज अ स्पीडस्टर। वैसे चलो मेरे को तो आता नहीं है ग्लेशियन, अरे ये लीफियन, लेकिन फिर भी 70,000 डैमेज है, चले 77 है एस्पियन का, चले 1,13,000 ग्लेशियन, परफेक्ट। 64 सिल्वियन थोड़ा कम है लेकिन चले, और अम्ब्रियन का टेकन और रिकवरी बेटर है तो वो भी चले। तो ऐसे टीम तो बढ़िया है, खेलने में मज़ा है प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, लेकिन भाई SA12 के सामने प्लीज़ मैच मेकिंग मत कराओ यार। ऑब्वियसली और थोड़े गेम्स खेलेंगे ऑल ईवी टीम से, उसका एक्सपीरियंस अगर कुछ अलग हुआ इससे तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या लगता है कि ये टीम कितना आगे तक जा सकती है, कमेंट्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खेलते रहिए पोकेमोन यूनाइट।